Assalamualaikum, this is your chemistry class and we are studying the chapter number 4. Today's topic is dative covalent or coordinate covalent bond. पिछले लेक्चर्स में हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हमने डेटी कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है. दिस इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डिंग एटम ओनली. अच्छा, ये कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो बॉन्ड पेयर है वो एक ही एटम जो है वो डोनेट करता है. ठीक है, बॉन्ड अगर दो एटम्स के दरमियान बन रहा है तो वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स से बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स कोई एक एटम जो है वो शेयर करेगा. अब इस तरह के जो बॉन्ड बनेगा, जो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा. मतलब दो इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम दे रहा है तो उस एटम को हम डोनर कहेंगे और जो एक्सेप्ट करेगा उसे हम एक्सेप्टर कहेंगे. ठीक है, इसके अलावा इसमें स्मॉल एरो से ये जो बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसे हम स्मॉल एरो से शो करते हैं. ठीक है, कोई भी हम शॉर्ट लाइन ही लेते, जैसे हमने सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में शॉर्ट लाइन्स ड्रॉ की थी, इसमें शॉर्ट लाइन्स नहीं बनानी, इसमें स्मॉल एरो होता है. ठीक है, स्मॉल एरो से जो है वो हम ये बॉन्ड जो है वो शो करते हैं. अब एरो का हेड जो है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है. ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक टर्म यूज़ की हुई है लोन पेयर की. लोन पेयर क्या होता है कि अगर कोई भी एटम के ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है. ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है अगर किसी भी एटम के ऊपर, तो उस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर कहेंगे. जैसे एग्जांपल है अमोनिया की. अमोनिया की एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके ऊपर देखिए ये डॉट्स हैं दो. ये डॉट्स जो है ये लोन पेयर को शो कर रहे हैं, मतलब ये वो वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो के बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. अब इसकी एग्जांपल देखिए हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल. इसकी एग्जांपल में आएगा अमोनिया. ठीक है, अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. के 5 इलेक्ट्रॉन्स में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेना है, कोवेलेंट बॉन्ड, और दो जो है ये बच जाएंगे. जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि दो जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं, लोन पेयर. ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है. अब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये लोन पेयर की वजह से बनता है. जो भी एटम है उसके ऊपर लोन पेयर होगा तो उसने कोशिश करनी होती है कि ये लोन पेयर जो है वो किसी दूसरे एटम के को वो डोनेट कर दे और बॉन्ड बना ले. अब इस केस में अमोनिया ने किसे दिया है, हाइड्रोजन को दिया है ये बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के पास. ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने लूज़ कर दिया है. ठीक है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर जो है वो एक्सेप्ट करेगा. तो इस केस में नाइट्रोजन जो है वो डोनर होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, और हाइड्रोजन जो है इसमें एक्सेप्टर होगा क्योंकि ये लोन पेयर को या बॉन्ड पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया है. ये जो स्मॉल एरो जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है. आप देखिए इसका हेड जो है, एरो का हेड जो है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ है. दूसरी एग्जांपल में हम इसमें देखेंगे अमोनिया जो है वो अपना लोन पेयर शेयर कर रही है बोरॉन के साथ. ठीक है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है ये दूसरा हमारे पास कंपाउंड. बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में देखें कि सेंट्रल एटम जो है इसमें बोरॉन है, बी. अब बी के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो डॉट से शो हो रहे 3 इलेक्ट्रॉन्स. 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्होंने फ्लोरीन एटम के साथ, 3 फ्लोरीन एटम के साथ अलग अलग कोवेलेंट बना लिया है. इसने भी इस ये फ्लोरीन एटम के साथ बना लिए है, ये वाले बॉन्ड ने भी, सॉरी ये वाले इलेक्ट्रॉन ने भी फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन ने भी फ्लोरीन के एक तीसरे फ्लोरीन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है. ठीक है, अब इससे अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, किस इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर जो है वो इसके साथ शेयर कर लेगा, और शेयर करने से इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा. उस बॉन्ड को हम ये स्मॉल एरो से शो कर रहे हैं, और ये बॉन्ड है डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, और ये
आप देखिए कि इसमें भी ये एरो का जो हेड है वो बोरोन की तरफ है, जो क्योंकि बोरोन जो है वो एक्सेप्टर था, एक्सेप्टर एटम था, तो इसलिए इसका जो एरो का हेड है वो बोरोन की तरफ है। नाइट्रोजन इसमें भी डोनर है और बोरोन जो है इसमें एक्सेप्टर है।